जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फरीद है, आपका गार्डन दोस्त वेलकम करता हूँ आपको आज गार्डन चैनल पे। उम्मीद भी रखता हूँ आप लोग खैरियत के होंगे, कुछ पार्ट होंगे और अच्छे अच्छे कामों से वो बीजे होंगे। तो दोस्तों आज हम धनिया प्लांट पर बात करेंगे। ये मैंने उगा ली है, मैं उसके उगाने की और दूसरे उगाऊँगा जब, तो उसकी वीडियो भी डालूँगा, मगर मैं सिर्फ इसकी शेयर के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों हम अपने टॉपिक पे आए, उससे पहले आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ वो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँचती है। तो दोस्तों अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जी। तो ये हमारे धनिया प्लांट हैं जो कि कल ही उगे हैं, मतलब बीच से बाहर आए हैं, और आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे प्लांट्स और बाहर आ रहे हैं। तो अब इनकी केयर के बारे में बात करना चाहें तो दोस्तों धनिया प्लांट वैसे तो 12 महीने ही आता है, लेकिन बात की जाए इसकी ग्रोथ की, तो ये सर्दियों में बहुत ही आज तक बढ़ता है। अब ये जैसे आज मेरे पास दूसरा दिन है इसका, उससे भी आज इसके पत्ते खुल रहे हैं, और जब मैंने गर्मियों में लगाया था ये तो ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा था और हमारे को बहुत सारा धनिया भी मिला था। तो दोस्तों अगर आज इसको सर्दियों में उगाएंगे तो क्या कहते हैं ग्रोथ कम दिखेगी और ये ज़्यादा सर्वाइव भी नहीं करेगा जी। तो अब आप इसको गर्मियों में उगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी ग्रोथ होगी, इससे ज़्यादा अच्छा होगी ये। और इसके बात की जाए धूप की, तो इसको आपने जब तक के इस पर एक से दो पत्ते नहीं निकल जाते उसको धूप में नहीं रखना। जब एक से दो पत्ते निकल जाएं, आप देखें इसकी स्टेम थोड़ी मजबूत हो चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर ना बर्ड बहुत अटैक करते हैं, वो इनको खाने के लिए आती हैं। ये मैंने कटोरी में उगाए तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्या कर देंगे। देखें कटोरी में भी हैं, ये सॉफ्ट मछली है तो बर्ड्स इनको खा जाएंगी, तो इनको आपने अभी शेड एरिया में रखा है जब तक इनकी स्टेम मोटी ना हो जाए, और अगर रख भी रहे हैं तो बहुत सेफ्टी रखें, वरना आपका पौधा ख़राब हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत से पानी फूल जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।